और दोस्तों कैसे आप, मेरा नाम है अरुण प्रभु, से ट्रैक इन टेक के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है हमारा एपिसोड हैशटैग आस्क करू नंबर 18। जी हाँ, और ये भी कह दूँ आपको तो पता चल रहा है हम हमारे स्टूडियो में नहीं है, बाहर हैं। आज कहा कि आप जो सवाल पूछते हैं वो थोड़ी इंटरेस्टिंग बना दे, और इसके लिए हम आ गए हैं बाहर आउटडोर्स। और ये जो एपिसोड है दोस्तों, बहुत सारे सवाल लिए हैं, कुछ 45-50 सवाल हैं, तो शायद ये जो आस्क करूँ हैशटैग 18 है वो दो एपिसोड में हो, पार्ट 1 पार्ट 2 इमीडिएटली पब्लिश कर देंगे। लेकिन ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे सवालों के जवाब मैं देने वाला हूँ इस एपिसोड में। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हमारे वीडियोस मिलने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। चलिए दोस्तों, तो लेते हैं पहला सवाल, और पहला सवाल आता है गौरव पांडे जी से। वो पूछते हैं, शुड आई परचेस 4G फोन एट करंट स्टेट बिकॉज आई हैव हर्ड क्वालकॉम हैज इंप्लीमेंटेड द न्यू मोडेम ऑफ 5G विल बी लॉन्चिंग बिफोर 2019। एक बात कहता हूँ आपसे गौरव जी कि भाई 2019 जो है उसमें आने वाला है, लेकिन एक्चुअल फोन्स में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और हमारे नेटवर्क्स 5G होने चाहिए। जैसे 4G आके 6-7 साल हो गए, लेकिन अभी 4G हमें मिल रहा है क्योंकि अभी धीरे धीरे वोल्टी 4G वगैरह मिल रहा है। तो अगर इंडिया में आपको एक्चुअल यूज़ करना है 5G को, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2021 या 2022। 2020 से आना चालू हो जाएगा, फ़ोन्स आएंगे 2019 में, लेकिन नेटवर्क का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो एक बात याद रखिए कि अभी टाइम है, 2-3 साल है, रुक जाइए आप। अगला सवाल है शुभम कुमार से, वो पूछते हैं, मैं करंटली अभी 480p रेजोल्यूशन वाला स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ, जिसे मुझे हेडेक होता है, तो क्या मैंने मैक्स प्रो M1 डिस्प्ले फील्ड में आईज़ के लिए ठीक है? बेसिकली पूछ रहे हैं जेनफोन मैक्स प्रो M1 जो है वो आँखों के लिए ठीक है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 480p रेजोल्यूशन से भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक्चुअली बड़ा लेटरिंग दिखता है 480p में, आपको जैसे जैसे रेजोल्यूशन बढ़ते जाएगा वैसे लेटर्स छोटे होते जाएंगे। तो मैं आपको कहता हूँ कि आपकी आँखें चेक करवा लीजिए, शायद उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर फ़ोन का भी हो सकता है, फ़ोन आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी फ़ोन में आपको आँखों का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है अर्पित पांडे जी से, वो पूछते हैं, भाई 6 बार पूछ चुका हूँ, OP6 मतलब OnePlus 6 में AI सपोर्ट होगा या रहेगा? ओप्पो नहीं यार, OP6 मतलब OnePlus 6 वर्सेस Honor V10 एंड देर इज सेम कैमरा इन OnePlus 6 और OP5T। नहीं, तो पहला सवाल कहता हूँ कि AI होगा, लेकिन AI से मतलब क्या, शूटिंग सीन्स उसे समझ में आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड कैमरा होगा OnePlus 6 में, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सवाल है आपका OnePlus 6 या Honor V10, OnePlus 6 सवाल ही नहीं आता है, और सेम कैमरा इन OnePlus 6 एज OnePlus 5T, नहीं, OnePlus 6 का जो कैमरा होगा मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। कार्तिक साहू पूछते हैं, Mi A2 का कौन सा वर्जन वैल्यू फॉर मनी है? अभी तक Mi A2 आना है तो अभी पता नहीं चलेगा। जी हाँ, Mi 6X लॉन्च हो चुका है, लेकिन इंडिया में वही सेम होगा या अलग होगा ये मालूम नहीं है। Redmi 3S में जनरल मोड में वॉल्यूम ऑटोमेटिक 0 हो जा रहा है, ऐसा क्यों? जनरल मोड में पता नहीं, सॉफ्टवेयर का कुछ इशू होगा, रीसेट कीजिए आपके फ़ोन को, शायद ठीक हो जाए। तन्मय फालके पूछते हैं, एनी अपडेट्स ऑन पुणे मीटअप? जी हाँ, अब क्या हो गया है, हमने 18-19 को अनाउंस किया था, लेकिन मुझे जाना है मुंबई, क्योंकि OnePlus 6 का लॉन्च है 17th और 18th को, और उतना ही नहीं 18th और 19th को YouTube का हमारा वर्कशॉप है, वो भी मैं मुंबई में करने वाला हूँ। तो पूना के जगह पे मैं सोच रहा हूँ कि मुंबई का मीटअप करें। जी हाँ, तो मुंबई का पहला ही मीटअप होगा, देखते हैं अगले 3-4 दिनों में मैं डिटेल्स आपको भेज दूंगा, हमारे कम्युनिटी में भी और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी, अगर उधर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल, थोड़ी अलग जगह में। जी हाँ, अभिषेक यादव पूछते हैं 100% चार्ज होने पर चार्जर ना निकाले तो क्या नुकसान होगा? नहीं होगा, आजकल के जो मॉडर्न स्मार्टफोन्स होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ओवर चार्जिंग नहीं होता है, लेकिन इट इज़ एडवाइजेबल कि भाई आप निकाल के रख दो, अगर नहीं निकाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला सवाल लेते हैं, दर्शन भोर पूछते हैं, सर जो रिव्यू यूनिट होते हैं वो रिटर्न भेजने पड़ते हैं क्या? जी हाँ, 90% टाइम भेजने पड़ते हैं, या फिर 80% टाइम, 10 में से जैसे शाओमी एक कंपनी है जो एक बार भेज देती है तो रखती है, लेकिन बाकी सब जो भी यूनिट्स आते हैं हमारे पास वो वापस देने पड़ते हैं। एंड प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट इट, थैंक यू, अभी तो एक्सप्लेन किया। और दूसरी बात, अगर वो रखते हैं तो बहुत बार हम उसका गिव अवे करते हैं,
तो वो भी है। हम जब जब भी गिव अवे होता है इसका मतलब ब्रांड ने कहा है कि हाँ आप रख सकते हो, तो वो हम आपको यानी सब्सक्राइबर्स को हमारे गिव अवे करते हैं। अगला सवाल लेते हैं, तवनूर सिंह पूछते हैं पता नहीं, विच वन शुड आई बाई, P20 लाइट और ओप्पो F7? करंटली आई हैव ऑनर 8, इज इट वर्थ अपग्रेडिंग? P20 लाइट एक्चुअली अच्छा है, 20,000 से कम है, 19,999, 659 किरिन का प्रोसेसर है, रैम वगैरह सब अच्छी है, इसका कैमरा भी अच्छा है, हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया है लेकिन जितने रिपोर्ट्स आए हैं अच्छा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको ऑनर P20 लाइट विल बी अ बेटर कैमरा अगर आप कंपेयर करते हैं तो ओप्पो F7 के साथ। करंटली आई हैव ऑनर 8, इज इट वर्थ अपग्रेडिंग? ना कीजिए, ऑनर 8 अच्छा फ़ोन है, अभी भी रुक जाइए और 6 महीने, या फिर वन प्लस 6 ले लीजिए, दैट विल बी अ मच बेटर अपग्रेड अगर आपका उतना बजट होगा तो। चलिए लेते हैं अगला सवाल, जीवन रावण पूछ रहे हैं, सर स्लो मोशन वीडियो शूट करने के लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप है क्या? बहुत सारे हैं लेकिन आपका जो फ़ोन है वो सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं है कि ऐप डाल दिया और स्लो मोशन करेंगे। बहुत सारे ऐप्स है वो क्या करेंगे, नॉर्मल वीडियो को ही स्लो कर देंगे, वो जिटरी आएगा, अच्छी तरह से नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका जो कैमरा है, आपका फ़ोन का कैमरा, वो अगर सपोर्ट करता है स्लो मोशन वीडियो को, तो बहुत सारे ऐप्स हैं, मैं चाहिए तो एक दो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगला सवाल लेते हैं, तीरथ सिंह पूछते हैं, सर मी का ड्रोन इंडिया में कब लॉन्च होगा? मी का ड्रोन पता नहीं कब लॉन्च होगा, लेकिन ड्रोन्स आर नॉट लीगली अलाउड इन इंडिया, तो अगर लॉन्च भी हो गया तो भी आप खरीद के उड़ा पाएंगे थोड़ा डाउटफुल है, आपको परमिशन वगैरह लेने पड़ेगी, उसके बाद में कर पाएंगे, लेकिन मालूम नहीं है मी का कब आएगा ड्रोन। चलिए लेते हैं अब अगला सवाल, विल Xiaomi Mi 7 हैव अ नॉच डिज़ाइन? यस इट विल, आजकल तो फैशन हो गया है तो आएगा ही ज़रूर। चलिए अगला सवाल लेते हैं, चैतन्य वर्मा पूछते हैं, सर कैन यू टेल मी विच इज़ द बेस्ट फोन बिटवीन OnePlus 5T एंड Honor V10? OnePlus 5T, जी हाँ, Honor V10 जो है मैंने यूज़ किया हुआ है, वो भी अच्छा फ़ोन है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं है, लेकिन OnePlus 5T इज़ बेटर, हमने एक कंपेरिजन किया हुआ है आप देख सकते हैं पहले। अजय शोटिया पूछते हैं, अरुण सर मैं आपसे कितने बार सवाल कर चुका हूँ, जैसे आपने मेरा सवालों का जवाब नहीं दिया है, सर मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अच्छा क्या है, 7,000 से 10,000 की रेंज में कौन सा फ़ोन अच्छा रहेगा प्लीज़ बताइए? स्मार्टट्रॉन T4P कुछ 8,000 का है, आप उसे देख सकते हैं, उसके बाद में Redmi 5 है, वो भी 8,000 का वर्जन आता है, वो भी आप देख सकते हैं, तो वो भी अच्छा है। चलिए लेते हैं अगला सवाल, समुज्वाल मुजुमदार पूछते हैं, सर आप प्लीज़ बताएं प्लीज़ कौन सा फ़ोन में हाइड ऐप आइकन और डुअल ऐप फीचर होता है अराउंड 14,000 के अंदर? Redmi Note 5 Pro वगैरह आजकल जो मिड रेंज या फिर टॉप रेंज के फ़ोन से सब में आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब में ये आएंगे, या फिर बहुत सारे ऐप्स भी हैं आजकल जिसकी वजह से आप हाइड ऐप्स कर सकेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, प्रदीप जोरदार पूछते हैं, Blitzwolf BWES2 हाँ मैंने यूज़ किया है, अच्छा है ये हेडफोन, एंड Sennheiser 3.0 कौन सा हेडफोन अच्छा है सर प्लीज़ आंसर मी? Blitzwolf का अच्छा है, मैंने Sennheiser 3.0 नहीं यूज़ किया है, तो मैं Blitzwolf कहूँगा बहुत अच्छा है, जी हाँ कुछ 2200-2300 रुपये का है, इट्स अ गुड वन, यू कैन बाय इट। चलिए लेते हैं अगला सवाल, आनंद कुमार पूछते हैं, आप कौन सा मोबाइल, आपके पास मोबाइल कौन सा है? मेरे पास है OnePlus 5T, जी हाँ मैं OnePlus 5T इस्तेमाल करता हूँ। चलिए अगला सवाल लेते हैं, दिनेश राजदीप पूछते हैं, सर व्हेन Lenovo K9 एंड Zenfone Max Pro 1 का 6GB वर्जन लॉन्च होगा? आई ट्राई 3 times, Zenfone Max Pro का इसी महीने में मई के एंड तक लॉन्च हो जाएगा, लेट 2 हफ्ते में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और Lenovo K9 Note का मुझे पता नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, टेक्निकल नारायण से है, ये मेरा कमेंट नहीं लिया तो नोटिफिकेशन बेल ऑफ कर दूंगा, जी प्लीज़ मत कीजिए, आप नेपाल से हैं, जी हाँ, Huawei P20 Pro कैसा होगा प्रैंक वीडियो शूट करने के लिए? अच्छा है, आपके पास पैसे हैं तो आप ज़रूर खरीद सकेंगे। Olympus 252 वॉइस रिकॉर्डर कैसे होगा, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है लेकिन सुना है अच्छा है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ एग्जैक्टली अच्छा है या नहीं, एंड नेपाल के लिए गिव अवे रखो, जी हाँ ज़रूर रखेंगे। चलो दोस्तों उसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 18 होता है समाप्त, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बहुत ही जल्दी शूट करके हम आपको बाकी के सवाल भी लेके आएंगे। ज़रूर बताइएगा हमें आपको ये एपिसोड कैसे लगा, थोड़ा आउटडोर्स किया आज हमने, हमारा स्टूडियो छोड़ के बाहर आए आपके लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया, ज़रूर बताइएगा कैसे लगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।